पे। अब जो टेस्ट है वो की में क्या काम करता है, आपकी जो है, सेक्स उसको करता है। इसके अलावा आपके रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है उसको रेगुलेट करने में भी इसी हार्मोन का काम होता है एक मर्द की बॉडी में अच्छी किस्म की फैट डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से होती है वो भी टेस्ट की वजह से ही होती है और इसके अलावा एक मर्द की बॉडी के अंदर स्पम की जो प्रोडक्शन होती है वो भी टेस्ट की वजह से ही होती है इंसान यानी तो कि मर्द के में जो बाल होते हैं बालों हो की प्रोडक्शन होती है वो सर के हों जिसम के हों या फेस के हों उनकी प्रोडक्शन जो होती है डिपेंड होती है जिस हार्मोन पे होती है वो टेस्ट ही है और इसके अलावा आपकी जो बोन डेंसिटी होती है वो जिस हार्मोन पर रिलाई करती है यानी कि आपकी बोन हेल्थ बोन विर्थ वगैरह जिस हार्मोन पे जिस डिपेंड करती है उसका नाम टेस्टोसोन ही है टेस्टोसोन का जो लेवल होता है मर्द की बॉडी में नॉर्मल वो होता है तीन से लेके एक हजार एन यानी कि नैनोग्राम पर डेसीटर इन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के हम किस अपने टेस्ट को कर सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छा कर करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगा रेगुलर वर्कआउट के अलावा वो जो करते हैं बॉडी बिल्डर करते ही करते हैं उसके अलावा आपने अपनी ट्रेनिंग में कार्डियो ट्रेनिंग है अगर आप सिर्फ कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ रहे हैं कि आपको कार्डियो ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों साल एक चलनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं एक बेहतरीन किस्म का टेस्ट इंक्रीज अपनी बॉडी में इसके बाद आपने लेनी है प्रॉपर स्लीप प्रॉपर स्लीप का मतलब है कि आपने प्रॉपर सोना है अब आपने सोना है रात के टाइम अब ये नहीं कि आप दोपहर टाइम सो जाएं रात को बिल्कुल ना सोएं दिन के टाइम आप सो रहे हैं चार चार पांच पांच छह छह आठ आठ दस दस घंटे तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो नींद होती है वो साइंस के मुताबिक रात की ही अच्छी होती है तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि रात को कम अज कम सात से नौ घंटे की नींद देनी है जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन वो रेगुलेट हो जाए जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है वो बेशक किसी लड़की का जो है हार्मोन इम्बेलेंस हो हुए किसी मर्द के हुए हैं अब वो स्ट्रेस लेता है तो उसे चाहिए वो स्ट्रेस लेना बंद कर दे क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो आपको खा जाता है अंदर अंदर से भी और बाहर से भी तो अपने टेस्ट लेवल को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है आपने फजूल स्ट्रेस लेना छोड़ देना है इजी चिल पिल और जो लास्ट और सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने करना है आपने डाइट को अपनी जो है इंप्रूव कर लेना है आपने अपनी डाइट के अंदर हेल्दी चीजें ऐड कर देनी है तली हुई चीजों का इस्तेमाल आपने कम से कम कर देना है और आपने ऐड कर लेना है अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स को ढेर सारा आपने जो ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन सब्जियां होती हैं पत्तों वाली उनका इस्तेमाल बढ़ा देना है अब वो आप कुक करके खाएं या फिर आप सैलड की फॉर्म में खाएं वो आपकी मर्जी वो वापस टेस्ट डिपेंड करता है लेकिन आपने खाना सब कुछ अच्छा है दोस्तों इसके अलावा आप अपनी टेस्ट स्पोर्ट हेल्थ के लिए एक सप्लीमेंट भी परचेज कर सकते हैं वो सप्लीमेंट कोई भी हो सकता है किसी भी किस्म का मार्केट में काफी अवेलेबल है और इसके अलावा मैंने एक सप्लीमेंट का रिव्यू भी दिया हुआ है जो कि एक ऑनेस्ट किस्म का रिव्यू है वो मैंने खुद भी यूज किया है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है वो आप जाके देख सकते हैं तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसे रही होगी लगता है वीडियो दोस्तों इस वीडियो का हम एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम तफसील से बयान करेंगे कि हमने किस किस्म की ट्रेनिंग करनी है हमने किस किस्म की फूड खानी है हमने क्या खाना है जिसकी वजह से हम अपने टेस्ट लेवल टेस्ट हार्मोन को रेगुलेट कर सकेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़